हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शक्ति अस्तित्व के एहसास की शो के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, इस शो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। जी हाँ, रूबीना दिलैक के लिए ये शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और यहाँ से हालांकि छोटे बहुत से तो उन्हें नाम फेम मिला ही था, लेकिन उसके बाद वो गुमनाम सी हो गई थी और अचानक से इस शो से उन्होंने कमबैक किया। और वाकई में जिस तरीके से ये शो का कॉन्सेप्ट था ना, वाकई में सुपर डुपर हिट गया शो और होना भी चाहिए था। 5 साल 6 महीने लगातार ये शो ऑन एयर रहा। इस बीच इस शो ने बहुत अच्छी टीआरपी गेन करी। आपको बता दें, इसका फर्स्ट एपिसोड 30 मई 2016 को देखने को मिला था और लास्ट एपिसोड की बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 को आपको इसका लास्ट एपिसोड देखने को मिला। इस बीच इस शो ने बहुत अच्छी टीआरपी गेन करी थी। इतने लंबे टाइम तक ये शो ऑन एयर रहा और यहाँ पर जब टीआरपी में कुछ गिरावट आ रही थी तो यहाँ पर मेकर्स ने लीप लाने के बारे में सोचा। जिस वजह से लीप के बाद यहाँ पर विराट और हीर की एंट्री होती है, वो तो आप लोगों ने शो के अंदर देखा ही होगा, लेकिन वो कमाल जोड़ी इतना नहीं कर पाई जितना कि हरमन और सौम्या की जोड़ी ने किया था। यही वजह है कि इस जोड़ी को लोग मिस कर रहे हैं। एक बार फिर से लोग देखना चाहते हैं इस जोड़ी को, दीवाने हैं शो के सीज़न 2 को लेकर। लगातार डिमांड चल रही है शक्ति शो के सीज़न 2 को लेकर। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से रूबीना दिलैक और विवियन डिसेना एक बार फिर से शो के अंदर नजर आएंगे। हालांकि यहां पर ये जोड़ी आनी तो बनती ही है, क्योंकि हरमन और सौम्या की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और ऐसे में ये सुपर डुपर हिट जोड़ी का एक बार फिर से कमबैक करना डेफिनेटली बनता है। क्या बात करें तो फिलहाल दोनों एक तरीके से देखा जाए तो रूबीना दिलैक सूट्स में बिजी रहती हैं, लेकिन अगर ये शो का ऑफर उनके पास जाता है डेफिनेटली नज़र आना चाहेंगी, क्योंकि ये शो उनके लिए उनके दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है और उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये शो। और उनके रियल लाइफ में भी इस शो ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। और बात करें अगर विवियन डिसेना के बारे में तो डेफिनेटली वो भी नज़र आना चाहेंगे, और वैसे भी वो अभी डेली सोप्स पर ही ध्यान दे रहे हैं, यानी टीवी पर्दे पर ही ध्यान दे रहे हैं। बाकी एक्टर्स की तरह वो वेब सीरीज़ या ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में ये शो का ऑफर जाता है तो दोनों ही नज़र आना चाहेंगे। क्या कुछ आपका कहना कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।